हद तक ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है, गड़बड़ी है। केले में ड्रिप जो होना चाहिए वो समझो, अभी तक जो है उसमें काम करेंगे, आगे अगर आपको खरीदना है तो मैं जो बता रहा हूं उसमें पैसा लगाना। कंपनी कोई सी भी हो, आपको जो पसंद है वो, उसका डिजाइन, उसका पानी गिराने का ड्रिपर 16-2-50, या ज्यादा बड़ा खेत है तो 20-2-50। 16 क्या है, ये एमएम का साइज है, कितना गोलाई वाला ड्रिप है, 16 एमएम या 20 एमएम, है ना। अगर आपका खेत 250 फीट लंबा है तो 16 एमएम का लिटरल खरीदो, बीच में कोई पार्टीशन नहीं डालना पड़ेगा, पूरा चलेगा। अगर आपका खेत 300-400-500 फीट लंबा है तो 20 एमएम डालो, 16 एमएम मत डालो, क्योंकि 16 एमएम डालेंगे बीच में दो पार्टीशन होंगे, उस मेड़ पे हमारा पौधा पकेगा नहीं, वहां पर जड़े घुसेगी नहीं, कड़क रहेगा। जब हम कल्टीवेशन चलाएंगे तो नलियां टूटेगी या फिर उठाना पड़ेगा, सीधा चलाओ तो नली टूटी, उठाया तो जगह छूटी, तो दोनों में गड़बड़ी है। तो 12 एमएम को भूल जाओ, 16 एमएम लेना है, 16 एमएम 2 लीटर डिस्चार्ज है 50 सेंटीमीटर पे ड्रिपर। ड्रिप कौन सी खरीदना है, नई खरीदे जब, अभी जो है उसमें चलाएंगे, ठीक। अगर खेत 500 फीट है तो 20 एमएम का 500 फीट तक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ड्रिपर चाहिए 2 लीटर डिस्चार्ज है 1 घंटे में, और एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की दूरी 50 सेंटीमीटर के ऊपर नीचे, 40 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 50 एक आइडियल है, 1 फीट से ऊपर ड्रिपर लेना है, पास में नहीं लेना है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में ड्रिप का डिजाइन यह होना चाहिए। अब हमने जो पौधा लगाना है, तो पौधा लगाना है यहां पर, ड्रिप है अंदर, ये साइंस समझने का। जो हमने नाली करी है उसके ऊपर ड्रिप डाली है, पौधा हमने नाली तरफ लगाया है, अगला पौधा भी नाली तरफ है, ये ड्रिप है अंदर, है ना। हम जो ऐसा लगा रहे हैं, यहां पर ड्रिप डाल रहे हैं, तो ये फिर फिसल के नीचे आ जाती है, जड़े हमारी यहां पर है। पौधा लगाया उस दिन से लेकर 5 से 6 महीने तक, फ्लावर देने के पहले तक वो तने की मोटाई बढ़ रही है, जब तक ड्रिप है ऊपर। जब फ्लावर देना है उस समय पील काटना बार बार पड़ता है, वो आउटसाइड के जो बच्चे आते हैं उनको काटना पड़ता है, उनको काटना पड़ता है, तो ड्रिप भी कट जाती है। तो हमारे पास साइंस क्या है कि ये लड़का सही काम नहीं करता, ड्रिप काटता है, तो हमने ड्रिप को उठा के कर दी नीचे, जो बेड है जहां ड्रिप है, जहां पील काटने में ड्रिप कट रही है, तो लड़के को बोला ड्रिप कर नीचे, अब काम कर। उस समय हमारे पौधे को भोजन चाहिए, पूरा प्रीमियम 100 भोजन चाहिए, उस समय उसकी जो जड़ों का विकास है उससे हमने ड्रिप को कर दिया नीचे, अभी जड़े यहां पर है, 12-61 हम दे रहे हैं, यहां पर जुड़ाव है किसी का, दूर दूर हो गया, ये जड़े काली पड़ेगी, सूखेगी, मरेगी, रुकेगी। यहां पर हम कीचड़ कर रहे हैं, बार बार पानी दे रहे हैं, महंगा खाद दे रहे हैं, जिसका कुछ काम नहीं है, तो ड्रिप यही रहना चाहिए जहां पर जड़े हैं। तो ये जो ऐसा ग्राफ है इसमें नहीं रहती है, इस ग्राफ में जब पौधा मोटे होता जाता है तो ड्रिप अंदर खसक जाएगी, यहां पर फ्लैट है, नीचे उतरने जैसा कुछ है ही नहीं, खसकने जैसा है। पौधा मोटा हुआ तो ड्रिप आगे खसक गई, नीचे गिरने जैसा कुछ नहीं है ना वहां पर। अगर ऐसा ड्रिप का डिजाइन है और यहां ड्रिप है तो फिसल के नीचे आएगी, अगर ऐसा फ्लैट बेड है तो ड्रिप साइड में खसकेगी, नीचे नहीं आएगी। तो एक चीज क्या करना है, बेड रखना है फ्लैट। दूसरा, जिस दिन हमने ड्रिप डाल दी, पौधा लगाया, उस दिन यहां कचरे की मल्चिंग कर दो तो बहुत ही बेहतर होगा, सबसे अच्छा काम यहां पर कचरे की मल्चिंग, गन्ने के पत्ते, केले के पत्ते, किसी भी बायोमास बॉडी का सूखा हुआ अवशेष, खेत में निंदाई गुड़ाई हो रही है, खरपतवार, वो भी वही डाल दो, यहां पर करी कचरे की मल्चिंग, है ना। कचरे की मल्चिंग के ऊपर ड्रिप। अगर हम प्लास्टिक मल्चिंग खरीदते हैं तो 18,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है,
जिसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कचरे की मल्चिंग अगर किसी के खेत से भी उठा के लाएंगे तो 3,000 रुपए मजदूर लगेंगे एक एकड़ में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये 3,000 आपका फायदा क्या करेगा, पहले दिन से कचरे की मल्चिंग कर दी, ये जो नाली है इसका नक्का है 3 फीट यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक बेड है 7 फीट, 10 फीट हो गया पूरा। तो ये जो 7 फीट है, 70% हमें कल्टीवेशन मशागत करना ही नहीं है, पहले दिन से कचरा डाल दिया। अगर हमें कल्टीवेटर चलाना है, मशागत करना है, कोलपे निकालना है, निंदाई गुड़ाई करना है, तो कहां करोगे, जहां पर खाली जगह है, जहां पर हमने कोई खाद नहीं डाला, जहां ड्रिप नहीं डाली, जहां पर कोई हम पौधा रख नहीं रहे, कोई जड़े हमको ले नहीं जाना है, वहां आप कल्टीवेशन करोगे तो जड़े भी नहीं टूटना है क्योंकि हम पौधा ले ही नहीं जा रहे वहां पर। तो हमने डिवाइड कर दिया, 30% जगह हमारे लिए, 70% जगह पौधे के लिए, खेत का डिवाइड कर दिया। जब खेत में जाएंगे तो कचरा और ड्रिप देखेंगे तो हम उस पे चल फिर करने से रुकेंगे, और जो नाली है वो साफ सुथरी चाहिए, एकदम साफ झक, जहां कोई कचरा नहीं, कोई खाद नहीं, कोई ड्रिप नहीं, तो गीला भी नहीं है, गर्मी में यहां पर दरारें आएंगी, क्रैकिंग आएगा, कड़कपन आएगा, ये फायदा देगा। जब यहां से हवा अंदर जाएगी तो इस जगह में मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी ज्यादा डेवलप होगी, सिगाटोका, फंगस, वायरस, हमारे खेत में अंदर हवा नहीं जाती है इसलिए ज्यादा पनपता है जड़ों के पास। ऐसा सिंगल जो ड्रिप है इसमें हर एक ड्रिप में पानी कच 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 हो रहा है, क्रैकिंग है ही नहीं, और जहां जड़े थी वहां पर क्रैकिंग आ रही है, वहां पर सूख करके जड़े मर रही है। माल जब कटता है तो यहां पर जो नाली है यहां पर चलफिर होती है, माल कटता है तो 40 किलो का आदमी और 25 किलो का पंच, 65 किलो उसके ऊपर से जहां ड्रिप है वहां पर पैर रख के चलते जा रहा है, किसमें, आपकी पद्धति में। तो ये जमीन दब रही है, यहां पर क्या है, कचरे की मल्चिंग, कचरा है, ड्रिप ऊपर है, और साफ सुथरी जगह काम करने के लिए ये है, इधर का बंच कटेगा तो यहां चलेगा, इधर का बंच कटेगा तो यहां चलेगा, आपको उसको बोलना नहीं, उसको खुद को दिखता है कि रास्ता किधर है, वो कचरे पे पैर ही नहीं रखेगा, उसको पता है कि जानवर नहीं है यहां पर या गीले में मेरा पैर घुसेगा, कर्मचारी को बोलने की जरूरत नहीं, साफ सुथरा रास्ता है। तो यहां पर ना मेरे खेत की जड़े है, ना मैंने पानी दिया है, और ये मिट्टी सूखी ड्राई है, तो यहां कुछ भी दबे दबने दो, तो रटून आपका अच्छा आएगा। रटून अच्छा लेना है तो ये ग्राफ, यहां पर रटून क्यों अच्छा आएगा, ये कड़क जमीन, ये ढीली जमीन, ये कड़क जमीन, ये ढीली जमीन, पौधा यहां पर लगा है साल भर से, इसकी जड़े यहां पर फैल रही है, खरपतवार कचरा सब यहां डालना है, तो कचरे के नीचे माइक्रो डायनामिक कॉलोनी डेवलप होती है, माइक्रो बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है अपने आप, हमें करना नहीं पड़ता, पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजेंटोबैक्टर, माइक्रो राजा, देसी केचवा सब आ जाते हैं, वो उस जमीन को ढीली कर रहे हैं, कल्टीवेशन वो खुद ही कर रहे हैं, बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े, नक्का और बेड, इस बेड पे कचरा, कचरे के नीचे की मैं बात कर रहा हूं जहां मित्र बैक्टीरिया है, माइक्रोबेस कॉलोनी है, वो उस 7 फीट के बेड को ढीला कर रहे हैं, जीवंत रख रहे हैं, और उसमें तमाम तरह के मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी है, तो उस बेड में गर्माहट है, क्या है, जीवंत प्राणी चलफिर कर रहा है, आदमी हो या देसी केचवा, उसकी बॉडी में कुछ गर्माहट है, तो जो पौधे की जड़े हैं वहां पर गर्माहट 24 घंटे है, साल भर है, वो बेड आपका जीवंत है, बेड कैसा चाहिए, जीवंत चाहिए। अगर आप कचरे की मल्चिंग नहीं करते हो तो बेड कड़क मृत, क्योंकि हम डीएपी यूरिया पोटाश चला रहे हैं तो बैक्टीरिया रहना नहीं है, तो बैक्टीरिया रहना नहीं है, और ऊपर से छांव नहीं है तो और बैक्टीरिया पैदा भी नहीं होंगे। यहां पर हमने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, 7 फीट का बैक्टीरिया के लिए घर दे दिया, छत दे दी, अब यहां रहो भाई, यही खाओ पियो मौज करो, तो वो वही रहेंगे, तो हमारे बेड को जीवंत रखते हैं, तो जो केले की जड़ें रहती है उन पे गर्माहट रहती है। साइंस सबसे जुड़ा हुआ है, एक 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 लिंकिंग है, केले की जड़ों के पास गर्माहट है तो ठंड कितनी भी ठंडी आए, जनवरी के पहले सप्ताह में केले का पौधा चालू रहेगा,
वो रुकेगा नहीं। हमारे बेड पे कोई कचरे की मल्चिंग नहीं है, वहां पर जीवंत बैक्टीरिया जड़ों के पास नहीं है, तो हम जो पानी देते हैं वो ठंडी रात को जनवरी में और ठंडा हो जाता है, तो केला रुक जाता है, सिंक हो जाता है, ठंडा पानी न लेता है न देता है, बस खड़ा है। कचरे की मल्चिंग में जड़ों के पास गर्माहट है, जीवंत बैक्टीरिया मित्र कीट सब है वहां पर, तो जड़ों के पास हुक है, लिंकिंग हो रहा है, तो हमारा पौधा ठंड हो गर्मी हो बारिश हो रुकता नहीं, चलता रहता है। और वहां पर जमीन ढीली है, ये जमीन ढीली हमको रटून में भी काम में आएगी, तो हमारी रटून पहले से अच्छी आएगी। समझ में आया यहां पर वाटर मैनेजमेंट क्या कैसे करना है? इसका एक सूत्र है पानी देने का, आपको ड्रिप मैंने बता दिया, ड्रिप डालने की जगह बता दी, पानी देना कितना है। भैया मेरे सेठ लोग बोल रहे हैं टाइम हो गया अगली जगह जाना है। इंडिकेशन आ रहा है इनका, 10 मिनट में लूंगा खत्म करता हूं, आपको पेपर लेके आओ किसान पाठशाला। पानी देने का तरीका आप लिख लो कितना देना है। एक पौधे का पत्ता एक दिन 1 लीटर पानी, ये सूत्र है। हमें केले में पानी कितना देना है, वाटर मैनेजमेंट क्या बेस्ट हो ताकि हम 70% लड़ाई जीत जाए। केले के पूरे मॉर्फोलॉजी में पूरे सिस्टम में वाटर मैनेजमेंट 70% का काम करता है। तो पहला कचरे की मल्चिंग, उससे भी पहला हम जो ड्रिप डाल रहे हैं 20-2-50 या 16-2-50, 2 लीटर डिस्टेंस से ज्यादा ड्रिप मत डालो, वो आगे आप खेती करोगे तो मजा आएगा, आपको समझ में आएगा क्यों। पानी देने का तरीका, मेरे पौधे की उम्र अगर 25 पत्ते की है, उदाहरण दे रहा हूं, जिसका 10 पत्ते का हो उसका अलग पानी, जिसका 25 पत्ता उसका अलग पानी, जिसका फ्लावरिंग आ गया वो 30-35 पत्ते का हो गया उसका अलग पानी, एक पत्ते पे 1 लीटर पानी एक दिन का पानी देने का तरीका। अब ये कब इतना, 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हम बीच का हिस्सा लेते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर, सेंटर पॉइंट लेते हैं, कि जिन महीनों में रात और दिन का सेंटर आता है 30 डिग्री, न ज्यादा रहा न ठंडी आई, उन महीनों में एक पत्ते पे 1 लीटर एक दिन का पानी देना है। पौधे को केले को क्या चाहिए, ताजा पानी चाहिए, रोज पानी चाहिए, लगातार पानी चाहिए। किसानों ने थोड़ी सी लाइन इसकी बदल दी है, किसानों ने कर दिया ज्यादा पानी चाहिए, डुबो के रखना है और डबा डब रखना है। ये गड़बड़ी केले में, इससे उत्पादन घटता है। सीधी लाइन, ताजा पानी, ताजा पानी मतलब आज दिया आज ही खत्म, कल दूसरा देंगे, ताजा पानी, लगातार पानी, हमेशा पानी, पानी तो चाहिए, बासी पानी नहीं चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए, उसमें उत्पादन में बहुत फर्क गिरता है। छोटी सी लाइनें, हम समझते हैं डीएपी की जगह 12-61 डालेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, उसको दिमाग से निकाल के बाहर करो, जो चीज पकड़ रहे हैं उसको पकड़ो, वाटर मैनेजमेंट 70% का काम करेगा। ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी, बासी पानी नहीं, कीचड़ वाला पानी नहीं, डबरी वाला पानी नहीं। हमने 4 लीटर की ड्रिप चलाई, वहां पर डबरियां बनी हुई है, खेत में डबरियां बनी हुई है, तो वो डबरी में पानी नहीं उठाता, जो ज्यादा पानी ऐसा रुक जाता है, क्या बोलते हैं आप, डोबरा, डबरी की जगह डोबरा। तो ये जो डोबरा बना हुआ है इसमें पौधा भोजन नहीं उठाता है। केले को चाहिए वापसा कंडीशन, केले को क्या, हर पौधे की प्रकृति की जड़ों को चाहिए वापसा कंडीशन। तो साइंस अब मैं बताता हूं पानी का नियोजन कैसा करें, पाटे के साथ। अगर हमारा 25 पत्ते का पौधा है 30 डिग्री टेम्परेचर, उदाहरण दे रहा हूं, आपके हर एक के खेत का पानी अलग अलग आएगा, 25 पत्ते का पौधा कब होता है, ये 4 महीने के लगभग 25 पत्ते का होता है। जो पौधा आता है वो 4 से 5 पत्ता लेके आता है नर्सरी से, आपने खेत में पौधा लगाया तो हर महीने 5 पत्ते देता है और 5 इंच तने की मोटाई आती है, अगर आप सही सही काम कर रहे हो तो। ये केले का साइंस है, ऐसे चलता है।
एक महीने में 5 पत्ते देगा, एक महीने में 5 इंच तने की मोटाई आएगी, न कम चल रहा है न ज्यादा चल रहा है, धीरे से आराम से चल रहा है, तो इतना होगा आप उसको वाच करोगे तो। तो हमने जब पौधा लगाया तो 5 पत्ते का आया और 4 महीने बीत गए तो उसके 20 पत्ते आ गए, 25 पत्ते के पौधे की उम्र 4 से 4.5 महीने की होगी, आप वाच करोगे तो मिलेगा। तो खेत में पत्ते गिनना है पौधे के कितने पत्ते हैं, और सूख गए उनको भी गिनना है। तो 25 पत्ते, अगर अक्टूबर का महीना 30-32 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो हमें एक पौधे को 25 लीटर पानी देना है प्रतिदिन। अब पानी का नियोजन कैसा, हमारी जो ड्रिप है अगर 5-5 फीट पे पौधे हैं और ड्रिपर 1, 2, 3, 4, 5 5-5 फीट, 1-1 फीट पे ड्रिपर है, उदाहरण दे रहा हूं आपके यहां जो हो उससे लिंकिंग करना, 5 फीट पे पौधा, 1-1 फीट पे ड्रिपर, और ज्यादातर आपके 4 लीटर डिस्चार्ज है ना, ठीक है। तो एक पौधे को कितने डिपर मिले, 1, 2, 3, 4, 5 5 फीट पे 1-1 ड्रिपर है तो 5 ड्रिपर इसके। अब यहां से गिनती चालू होगी, 5 ड्रिपर इसके, एक पौधे को मिले 5 ड्रिपर, अगर एक घंटा चलाया 4 लीटर डिस्चार्ज है तो 4×5 20 लीटर पानी, तो एक घंटा चलाएंगे तो 20 लीटर दे पाएंगे, तो हमें देना है 25 लीटर, तो 1 से 1.25 घंटा कितना पानी हुआ। अक्टूबर में 30 डिग्री टेम्परेचर है और 5.5 से 5 महीने का पौधा 25 पत्ता है और 4 लीटर डिस्चार्ज है तो रोज उसको 1 से 1.25 घंटा ही पानी देना, इससे ज्यादा नहीं देना, इससे कम भी मत देना, 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो हमारा बटन दब जाए पानी देने का तरीका। अब इसमें अगर इसको बंद करना है, हाँ मुझे भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहां पर ठंड आ गई तो टेम्परेचर कम हो गया, तो जिस अनुपात में टेम्परेचर कम हो रहा है उस अनुपात में पानी कम करना, जिस अनुपात में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी मेरे यहां मई का महीना आ गया 47 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर, 30 आइडियल है, अभी 40 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 25 पत्ते का पौधा है, 4.5 महीने का है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे कितना परसेंट बढ़ा, लगभग 25% टेम्परेचर बढ़ा, 30 था 40 हो गया, तो ये जो बढ़ा एक हिस्सा बढ़ गया ना, चौथा हिस्सा, मतलब 25% टेम्परेचर बढ़ा, तो मुझे 1 लीटर पानी देना था तो 1.25 लीटर पानी देना है एक पत्ते को, तो 25 पत्ते पे मुझे 25 लीटर देना था तो 25 का 1.25 करना पड़ेगा, लिंकिंग हो रहा है, लगभग 30 लीटर पानी देना है एक पौधे को, 30 लीटर पानी देना है, 4 लीटर का डिस्चार्ज है तो लगभग 2 घंटे, इससे ज्यादा चलाऊंगा तो कीचड़ बनेगा, इससे कम चलाऊंगा तो पौधे को कम गिरेगा। जिस अनुपात में ठंडी रात में टेम्परेचर कम होता है 30 डिग्री की बजाय 20 डिग्री हो गया तो 30% पानी कम करना है, एक पत्ते को 700 ml पानी देना है, 25 पत्ते को गुणित 700, लिंकिंग हो रहा है, 18 लीटर पानी जब 20 डिग्री टेम्परेचर हो, ये सूत्र है, इस सूत्र से ड्रिप अगर मेंटेन कर रहे हो तो पानी दो। किसानों ने ड्रिप लगा ली है केवल पानी देने के लिए, वो केवल पानी देने के लिए नहीं, आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए है ना, अगर ड्रिप मैनेजमेंट सीख गए तो उत्पादन बढ़ाना आपके हाथ में, 70% तक उत्पादन बढ़ सकता है, हम अगर 15 किलो ले रहे हैं तो इसका 70% कितना हुआ, 7 और 5 का 7×5 35, लगभग 10 से 11 किलो उत्पादन बढ़ सकता है, तो 15 किलो में 11 किलो जोड़ेंगे तो 26 किलो का बन जाएगा, किससे रिलेशन है, जस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेशन है, आपका पानी देने का नियोजन परफेक्ट हुआ तो आपका 15 किलो का बंच 26 किलो का बन सकता है। किसी को पैसा देने जाना नहीं है, केवल हमारे माइंडसेट को करना है और पेपर पे आना है, कैलकुलेट फार्मिंग करना है, वाटर मैनेजमेंट 70% हिस्सा निभा रहा है उत्पादन को इंक्रीज करने में। 12 एक्शन पे ध्यान हटाना, लगाना बंद करो, हटा दो, ठीक है। ये छोटा सा सूत्र है, एक थोड़ी सी बात रह गई, आप जब तक पेपर बांटो मैं बात को खत्म करता हूं। रटून की बात थी कि रटून आपको लेते आना चाहिए, 7-7 फीट पे जो पौधा है, ये 7-7 फीट पे पौधा
आपको पील कब रखना है वो मैं बतला रहा हूं। ये केवल पेपर बांट दो, बाकी आपका ध्यान इधर रखो, वो भैया बांट देंगे। 5 महीने 25 पत्ते आ चुके हैं और 25 इंची तने की मोटाई हो चुकी है जिस दिन। पील कब रखना है सेकंड वो मैं बता रहा हूं उसका साइंस, ताकि आपका पहले से ज्यादा अच्छा सेकंड आएगा। 25 इंच तने की मोटाई 5 महीने के ऊपर और 25 पत्ते आ गए हैं, तो उत्तर दिशा में नया सकर रख सकते हो, नया बच्चा। 5x5 में अभी आपने रखा नहीं, फ्लावर आ चुका है, दस्तक दे रहा है ना, क्योंकि ग्राफ टाइट है उसमें ले नहीं सकते। इसमें 5 महीने 25 पत्ते 25 इंच तने की मोटाई उत्तर दिशा में रख लो, तो पौधा कैसे दिखेगा। यहां पर लिया हमने, है ना, अभी 2 महीने बाद ये फ्लावर देगा दक्षिण दिशा में। फ्लावर आने के 1.5 से 2 महीने पहले रख लिया है, क्योंकि जगह बहुत है और पत्ते ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसलिए आपका 5x5 है तो रखना मत, माल खराब होगा, एक दूसरे से लिंक है। अभी जब फ्लावर आया तो इसकी उम्र कितनी रहेगी, ये चौड़ा पत्ता देने की कोशिश करेगा, इसकी उम्र लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने बच्चे की उम्र, और फ्लावर आया, फ्लावर कटेगा 90 से 100 दिन में, तो इसकी उम्र कितनी होगी, 5 महीने की। जिस दिन ये कटेगा उस दिन इसकी उम्र 5 महीने की। पहली फसल कट रही है और दूसरी फसल का बच्चा जवानी के तैयारी कर रहा है, साइंस समझ में आ रहा है। पहली कटना चालू हुई है और दूसरा खड़ा है। अभी हमारे खेत में 1250 पौधे हमने लगाए थे खेत के अंदर, और 5 महीने में फिर 1250 हमने रख लिए। अभी हमारे खेत में कितने पौधे हैं, 2500। यहां पर जो फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट आएगा, हम फ्लावरिंग आने के बाद फास्फोरस और डीएपी को बंद करते हैं, तो यहां पर बंद नहीं होगी, क्योंकि फ्लावरिंग आई उस समय ये 2 महीने का है, फ्लावरिंग आया उस समय ये 2 महीने का है, तो फास्फोरस बंद नहीं होगा। खाद को लिंकिंग कर रहा हूं फर्टिलाइजर को, क्योंकि इसका रूट मैनेजमेंट भी होगा। जिस दिन ये कटेगा उस दिन हम इसका तीसरा रखेंगे। अभी 2 है, पहला कटा तो दूसरा आ गया, ऐसा आप अनेक कितनी साइकिल भी चला सकते हो। कटिंग के समय जब हमने जून जुलाई में लगाया है, कटिंग मई जून में आती है जून जुलाई वाले की, तो गर्मी रहती है, गर्म हवाएं चलती है। 5x5 में 5000 पौधे में अगर 2 गाड़ी 3 गाड़ी माल कट गया तो माल गिर पड़ चालू होती है, ऐसा होता है ना, पूरे बगीचे में 2-3 पेड़ गिर जाते हैं। वो इसलिए गिरते हैं कि पत्ते कम हो जाते हैं, जब फ्लावर आता है उस समय पत्ते कम रहते हैं, तो गर्म हवा अंदर घुसती है अप्रैल मई में। यहां पर ये जो बच्चा है इसके पत्ते हैं, पुराने के पत्ते कम हुए, उसका माल कट रहा है, लेकिन नया जो खड़ा है 1250 उसके पत्ते हैं, तो गर्म हवा अंदर घुसेगी तो वहां पर ठंडी हो जाती है, क्योंकि हरे पत्तों की संख्या है आपके खेत में, तो एक भी पौधा गिर पड़ नहीं होता, ये साइंस है, समझ रहे। 5x7 अगर है तो आपको बच्चा टाइम पे छोड़ना है, नहीं तो गिरपड़ इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये खुला हो जाएगा, फ्लावरिंग कटते समय इसके पत्ते और कम होंगे, पहले ही वातावरण खुला है। फिर आप बोलोगे बलराम भैया को बुलाओ मत, ये तो माल बिगाड़ के गया। तो 5x7 है तो बच्चा समय पे रखना है, निकालना भैया, तो इसके हरे पत्ते हमें अप्रैल मई में काम में आएंगे। इस सिद्धांत पर हम 30 महीने में 3 कटिंग आराम से लेंगे, आएगी तो 2.5 साल के अंदर अंदर 3 कटिंग। 5x7 पे अगर जाते हैं, टिश्यू है या गठान है उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी पौधा है, 30 महीने में 3 कटिंग आती है। बातें सब छोटी छोटी सी है और मैं समझ दे सकता हूं, लेकिन आगे मुझे थोड़ा सा जाना है। 2-3 चीजें हैं, आपने कोई सी कंपनी का भी पौधा लगाया, कोई सी भी गठान लगाई, आप बी किसान के साथ जुड़ सकते हो, 100% गाइडलाइन आएगी किसी भी कंपनी को। मैं जब ये वक्तव्य देता हूं तो कहीं मैसेज गलत जा रहा है, राइजेन साइन वालों ने आपको टच किया है शायद कि यार हमारा नाम मत लो, तो हम राइजेन साइन का नाम उपयोग नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हम किसानों को ये बोल रहे हैं कि आपने कोई सा भी लगाया हो, अगर गाइडलाइन चाहिए तो हमसे जुड़ सकते हो। हम ना तो राइजेन साइन का पौधा बेचते हैं, ना राइजेन साइन के हम डीलर हैं। लेकिन कहीं किसी को ऐसा लगता है कि यार ये भैया राइजेन साइन बोलते हैं, जैन भी बोलते हैं। हमारे पास भारत की और 8-10 कंपनियां जुड़ी है। मेरी खुद की टिश्यू कल्चर कंपनी रेवा है। तो मैं आप लोगों को मंच से बोलना चाहता हूं, आज 31/1/2020 जनवरी स्पष्ट लाइन है, जैन और राइजेन साइन बी किसान ग्रुप के साथ जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन आपने कोई सा भी पौधा लगाया, जैन राइजेन साइन रेवा, आप अगर हमसे गाइडलाइन चाहते हो तो हम आपको 100% गाइडलाइन देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम राइजेन साइन का पौधा बेचते नहीं। ओके सर, एक जो रूटन इनके निकले हुए थे ऊपर से जो काट रहे थे अभी जो खेत में अपन देख रहे हैं, तो थोड़ा हाँ वो एक चीज और था जो मैं बताना छूट गया। आप फार्म तो भर दीजिए, जो नीचे आपके पील हैं उनको काट दिया कीजिए। आप काट तो दे ही रहे हैं, उसको ड्रिल करना है। पौधे के नीचे पील आते हैं आपके यहाँ है ना, अभी तक यहाँ पर मैंने क्या देखा, इसको काट रहे हैं। काटने के साथ आपको ड्रिल करना है। जैसे ये पील है, इसको काटा तो इसको ड्रिल कर दो। कब करना है? 90 से 100 दिन की अवस्था में। पौधा हमने आज लगाया तो 3 महीने का पौधा होगा, तो 2-3 उसके बच्चे आ जाएंगे नीचे से। उन बच्चे को पहले काटो मत। जब 90 से 100 दिन का पौधा हो गया तो एक ही बार काटना है और उसको ड्रिल करना है। 1 इंच का पाइप बनाओ है ना, और उसमें डालकर ड्रिल कर दो, तो उसका गूदा निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये बच्चा आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आगे बार बार काटना नहीं पड़ेगा, तो आपकी नली भी नहीं कटेगी। दूसरा फायदा ये करेगा, अगर ये ड्रिल किया है तो आपका लगभग 15% वजन बढ़ेगा। बहुत मायने रखता है ये वजन बढ़ाने में। एक पौधा है, 3 महीने में उसके 2-3 बच्चे आते हैं, और जब फ्लावरिंग आती है उस समय 7-8 रहते हैं है ना। तो हमने अगर 1 किलो 12 एक्सेट दिया है इस पौधे को, और फ्लावरिंग के समय यहां पर 7, तो 1 किलो 7 भाई मिल बांट के खाएंगे। हमें खिलाना किसको है, तो उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम ड्रिल करते हैं, साइंस क्या है, ये जो तने की मोटाई है, जैसे हमने अभी आपके खेत में नापा, एक पौधा 36 इंच का था, तो क्या उस पौधे में 36 किलो का वजन आएगा? नहीं आता है। तना तो 36 इंच का है लेकिन उसका वजन 36 किलो नहीं आया, उससे 20% कम आता है लगभग। वो 36 से 20% कम करोगे तो 25 से 28 किलो का वजन आता है। तो ये 20% कौन खा गया, इसके नीचे जो पील है। जिस खेत में तने की मोटाई जितनी है और उसके बच्चों को ड्रिल कर दिया है, तो जितने तने की मोटाई है, अगर उसके केले को 15.5 आने से 16 आने करोगे, तो जितने तने की मोटाई है उतना वजन आता है। ये साइंस है, ड्रिल करोगे तब। ये भाई हिस्सा भोजन लेना बंद करेंगे तब। नीचे बच्चे काटते दिखता नहीं है लेकिन नीचे से भोजन उठा रहे। तो आप लोग ड्रिल करना चालू करो, जो नया रखेंगे उसको मत करो, बाकी के जो है उनको ड्रिल कर दो। करने का टाइम पौधा लगाने से 100 दिन के ऊपर नीचे, उसके बाद में नहीं करना है। उसके बाद में तो नया रखेंगे, पौधा लगाने से 90 से 110 दिन के बीच में ड्रिल करना है, उसके बाद में नहीं करना। फिर माल कटेगा जब ड्रिल करेंगे, ठीक है। आप लोगों को एक फार्म दिया हुआ है, ये फार्म थोड़ा सा भरना है। मैं बतला दूं इसके अंदर क्या है, आज का विषय लिखना है, विषय किसान पाठशाला केला। आज की तारीख लिखना है, आपका नाम, आप महिला है या पुरुष है उस पर टिक मारना है, पता, तहसील, जिला, प्रदेश, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जरूर देना है ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सके। ईमेल एड्रेस अगर कोई यूज कर रहा है तो ईमेल एड्रेस द्वारा उल्लेखित। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया उनका नाम लिखना है। सुझाव, इस पूरे फॉर्म में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपका व्हाट्सएप नंबर, दूसरा सुझाव। सुझाव मतलब बलराम किसान ने जो आपको पाठशाला ली वो ठीक है या बहुत अच्छी है
या बलराम किसान को सुधार की जरूरत है, जहां मेरे वक्तव्य में आपको लगा वो लिख दीजिए कि यहां पर हमें और सुधार चाहिए आपसे, और नीचे अगली पाठशाला का आवेदन, अगर आपको और पाठशाला लेना है तो लिखना है हाँ, और कब कौन से विषय पे लिखना है आपका ओपिनियन डालना है, और नीचे हस्ताक्षर। ठीक है, एक चीज भी किसान और कर रहा है आप।